हमारी कविता का अगला दोहा है कि कबहु प्रबल बह मारुत जह तह मेघ बिलाही जिमि कपूत के उपजे कुल सद्धर्म नसाही। अर्थात इन पंक्तियों का जो भावार्थ है कि कभी कभी वायु तेज गति से दौड़ने लगती है और तेज गति से दौड़ने के बाद जो बादल होते हैं तो कभी यहाँ रुकते हैं, कभी वो बाहर चले जाते हैं, कहीं दूर चले जाते हैं, और यह दृश्य देखकर ऐसे प्रतीत होता है कि किसी अच्छे परिवार में जैसे किसी कुपुत्र का जन्म होता है और कुपुत्र का जन्म होने के कारण उस परिवार से धर्म का आचरण नष्ट हो जाता है ऐसा लगता है। हमारी जो अगली पंक्तियाँ है कि कबहु दिवस मह तिबिड़तम कबहु क प्रकट पतंगा बिन सही उपजही ज्ञान जिनी पाई सु कुसंग सुसंग। अर्थात कभी कभी बादलों के कारण दिन में भी घनघोर अंधेरा छा जाता है और वही सूरज निकलता है मगर आपको सूरज दिखाई नहीं देता, जिधर उधर काले बादलों के कारण घनघोर अंधेरा आपको नजर आता है। और इस बात को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि कवि ऐसा बताते हैं कि जैसे बुरी संगत पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और अच्छी संगत पाकर ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ तुलसीदास जी ने यही इन दोहों के माध्यम से हमें बताने का प्रयास किया है।